बाजार पूरा गिरा हुआ हो या अगर बाजार पूरा तेज हो और आप इसके अपोजिट कॉल निकालते हैं, यानी कि अगर बाजार गिरा हुआ है और आपकी कॉल ऐसे निकले जिसमें धुआंधार मूव आए, वो भी वन साइडेड, या अगर बाजार ऊपर की तरफ है और आप उसमें से सेल कॉल निकालो और अगर आप सेल कॉल निकालते हो और आपका जो स्टॉक है धुआंधार वन साइडेड गिरता है, तो कितना मजा आएगा स्क्रीन को देख के। उस दिन लगेगा कि रियल आपने कुछ किया है। और ऐसी ही कॉल देना हम हमेशा जो है पसंद करते हैं। और इसी के अंतर्गत हमने जो है लास्ट फ्राइडे, जो कि अभी जस्ट कल था, एशियन पेंट को बाय दिया गिरते मार्केट में, बेहतरीन वन साइडेड मूव। दीपक नाइट्राइट दिया मॉर्निंग में बाई 1799 के करीब, 1770 के बीच में, और आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से मूव आई, 4% तक दीपक नाइट्राइट गया। इसके अलावा इंडेक्स जो हमने व्यू दिया था कि इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है 315, वहीं से सेल होगा, जस्ट 305-310 का हाई लगाया नीचे से आके और वहां से वन साइडेड फॉल दिया। ये वन साइडेड फॉल निफ्टी की हमारे व्यू के बाद वन साइडेड राइज दीपक नाइट्राइट का, एशियन पेंट का, आपके अंदर जरूर ये जिज्ञासा डालता होगा या आपके अंदर जरूर ये क्वेश्चन डालता होगा कि ऐसी कॉल कैसी आ रही है। वहीं जहां पे हम ट्रेड करते हैं तो जहां से बाई करते हैं वहीं से गिरता है, जहां से सेल करते हैं वहीं से बढ़ता है, आखिर कौन सी ऐसी चीज है। तो दोस्तों कोई ना कोई कड़ी तो जरूर है जो आप मिस कर रहे हो, तभी जाके जो है ये रिजल्ट आ रहा है। और आपका जो रिजल्ट है वो जीरो आ रहा है और या तो एम टू एम बराबर हो जा रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है। तो कहीं ना कोई ऐसी चीज है जहां पे आप गलती कर रहे हो, तो किसी न किसी मेंटर की जरूरत है और किसी न किसी को आपको गुरु बनाना पड़ेगा। सो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो कमिंग बैच है 8 जुलाई से, अगर आप चाहते हो कि ऐसी कॉल खुद से निकालो जो गिरते मार्केट में 4% अप हो और जहां से हम बोले कि अब जो हो गया यहां से हम बाई कर सकते हैं, भले हमारा लेवल कभी कभी मिस हो जाता है लेकिन वहीं से मार्केट जो बाउंस करे, अगर ये सारे लेवल आप चाहते हो खुद से निकालना, तो जो हमारा नेक्स्ट बैच है 8 जुलाई से उसको ज्वाइन कीजिए और सीखिए। ये कॉल निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसी चीज है जिसको आप मिस कर रहे हो, या तो हो सकता है कि वो इंट्राडे एंट्री एग्जिट हो, और या हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन हो या परफेक्ट एनालिसिस हो। और अगर आपको कुछ नहीं आता है और आप ट्रेड कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता अपने कैपिटल के साथ। तो एक बार सीखिए और फिर ट्रेड कीजिए और फिर देखिए ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट होती है। तो स्वागत है आप सभी लोग अनदर एक वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, कैसा ट्रेड कर सकता है, और साथ में हम आपके सामने रखेंगे पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि जो बड़े ट्रेडर हैं वो किस साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि इस टाइप की जो इम्पोर्टेंट वीडियो आती है हमारी ट्रेड वाली और एजुकेशनल, वो आपसे मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डेटा को रीड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्लाइंट है इनका फिगर क्या आ रहा है। तो क्लाइंट की समझ ये है कि इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने 9440 क्वांटिटी शॉर्ट की है, इंडेक्स कॉल पे भरपूर पोजीशन लेके गए हैं 181,000, और डाउन है तो आपको बता दिया होगा कि ह्यूज गैप डाउन है। और मैं आपको ओवरनाइट के लिए कितने दिन से मना कर रहा हूँ, इवन मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, मैं गुस्सा भी करता हूँ उनके ऊपर, क्योंकि वो आके फिर बीच में पूछते रहते हैं कि सर मैं कॉल लेके चला जाऊँ पुट लेके चला जाऊँ। और मैं एक ही चीज बार बार दोस्तों बोल रहा हूँ कि नवंबर तक बहुत लिमिटेड BTS एस्टिमेटी कीजिए, जिस दिन क्लियर कट होगा मैं आपको खुद दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही है दोस्तों कि हम रिस्क फ्री ट्रेडिंग करें, रिस्क नहीं तो इश्क है, अगर रिस्क है तो इश्क नहीं है, ये याद रखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स फुट पर देखिए इन्होंने 123,000 की जो है शॉर्ट पोजीशन बनाई है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे आप सोच सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर 36,238 क्वांटिटी लॉन्ग है। वहीं FII की पोजीशन देखिए, इंडेक्स फ्यूचर सेल 20,000, इंडेक्स कॉल सेल 12,000, इंडेक्स फुट बाई 82,000, वन साइडेड बियर पोजीशन बना के गए हैं। स्टॉक फ्यूचर सेल 54,248 और ये इसको कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। ये फ्रेश पोजीशन है एक्सपायरी के बाद की। इंडेक्स फ्यूचर देखिए 20,000 लॉन्ग किया, इंडेक्स कॉल देखिए दबा के शेल 1,68,000, इंडेक्स पुट बाई 41,000, सिर्फ 20,000 यहाँ पे बाई किया इंडेक्स फ्यूचर हेज के लिए, अदरवाइज एम टू एम सेल में आ रहा है इनको दोस्तों, प्रो का HNI ट्रेडर हाई नेटवर्क जो होते हैं। स्टॉक फ्यूचर देखिए 19,000 लॉन्ग किया है, इन दोनों बड़े ट्रेडर की पोजिशन बियरिश आ गई। अभी मैं चलूंगा समरी के बाद जो एक एक चीज जो होल्ड होती है वो भी आपको दिखाऊंगा, और देखिएगा पोजिशन क्लाइंट के किस हिसाब से बनी हुई है और इनकी देखिएगा जस्ट अपोजिट होगी। DI देखिए यहाँ पे 10,053, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल में नो एक्टिविटी, पुट में सेल किया है 90 क्वांटिटी, और स्टॉक फ्यूचर 1921। तो इनकी पोजीशन जो है कोई डिसाइडेड नहीं होती है और इनके जो पोजीशन है बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं करते मार्केट में, क्योंकि बहुत छोटी पोजीशन होती है। अभी देखिए जो नेट पोजीशन है जो लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने बैग में भर के, क्लाइंट के पास 122,000 कॉल ऑप्शन है, जस्ट जो प्रीवियस में था वही 9 जून को है, वही 10 जून को है। DI के पास देखिए 58,360, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट था, इनके पास 48,000 शॉर्ट रह गया, यानी कि कुछ पोजीशन काट दिए।
एफआईआई के पास देखिए 79,000 जो है शॉर्ट था, अब 1 लाख के करीब पहुंचता हुआ। ये फिगर 5 से 6 डिजिट में आ चुका है। प्रो के पास देखिए 52 क्वांटिटी लॉन्ग थी, अभी 25,360 क्वांटिटी लॉन्ग जो कि इन्होंने हैच के लिए रखा हुआ है। इसके बाद इंडेक्स कॉल देखिए क्लाइंट की, क्लाइंट के पास जो पहले शॉर्ट था उसी पोजीशन को कैरी न करते हुए फ्रेश पोजीशन बना दी लॉन्ग साइड, 1,56,394, तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा कॉल है इनके पास लॉन्ग। डीआई के पास सेम पोजीशन, नो चेंज। एफआईआई के पास देखिए 56,000 था, 43 कर दिया, कुछ कम कर दिया है। प्रो के पास देखिए 32,000 शॉर्ट था, अभी 2 लाख शॉर्ट है, तो 1,70,000 जो है ना कॉल सेल इन्होंने फ्रेश शेड किया दोस्तों। इंडेक्स पुट की पोजीशन देखिए, क्लाइंट के पास 2 लाख के करीब जो शॉर्ट था, अभी आंकड़ा 3,31 को क्रॉस करता हुआ। और मेरा यही आइडियल फिगर होता है कि अगर 3 के ऊपर अगर आप गए तो उसके अपोजिट में मार्केट वन साइडेड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर क्लाइंट 3,31,000 यानी कि 3 लाख से ज़्यादा कभी भी पुट सेलिंग में आता है तो मार्केट वन साइडेड गिरता है, और अगर 3,31,000 से ज़्यादा पुट साइडेड बाई में आता है या कॉल सेल में आता है तो मार्केट उसी साइड पर बढ़ता है। तो मार्केट ने क्लियर कट यहीं से बता दिया कि गैप डाउन होना तय है। अभी डीआई के पास देखिए 31,000 जो है तकरीबन जो है लॉन्ग था, वही पोजीशन जो अभी भी होल्ड कर रहा है इंडेक्स पुट पे। एफआईआई के पास देखिए 1,80,000 लॉन्ग था, अभी 2,62,000 लॉन्ग हो गए इनके पास इंडेक्स पुट। कैसे जो है आप ऊपर ले जाओगे मार्केट को, कैसे गिरने से बचा लोगे एंड कौन रोकेगा आप मेरे को बता दो इस डेटा को देखने के बाद। प्रो के पास देखिए 3,865 क्वांटिटी शॉर्ट थी, इमीडिएट 37,676 लॉन्ग में आ चुके हैं पुट में। कॉल भी सेल किया है, पुट बाई भी किया है, मतलब इसमें तो बहुत ही हेज पोजीशन मिनिमम रखी गई है। मतलब वेल कॉन्फिडेंस था कि मार्केट गैप डाउन होगा ही होगा मंडे को। इनको आइडिया था कि डाउ में क्रेसिस आएंगे और कुछ तो हुआ है ऐसा चीज जिसकी वजह से डाउ गिरा, और उसका रिप्लिका हमें मंडे को अपने बाजार में देखने को मिलेगा। और कोई ऐसी ताकत नहीं जो रोक सकती है, सिर्फ एक ही ताकत है, वो है कि गैप डाउन ना हो, किसी रीजन से कोई अच्छी चीज आ जाए, अदरवाइज मार्केट को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। ये डेटा कह रहा है दोस्तों, डेटा जिस हिसाब से प्लेस्ड है, मार्केट वन साइडेड गैप डाउन करने के लिए रेडी है। स्टॉक फ्यूचर 11 लाख होल है लॉन्ग, डीआई के पास 17 लाख शॉर्ट है, 4 लाख एफआईआई के पास लॉन्ग और 1,80,000 प्रो के पास लॉन्ग। तो स्टॉक स्पेसिफिक ये लोग भी लॉन्ग है, एफआईआई और हमारे डीआई, सॉरी एफआईआई एंड प्रो। डीआई यहाँ पे शेल में है और क्लाइंट यहाँ पे भरपूर मात्रा में स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग कर रहा है। अभी जो डेटा है पूरा ये यहाँ पे जो कंक्लूड होके आ रहा है वो यही कह रहा है कि मार्केट गैप डाउन होगा ही होगा, कोई ऐसी ताकत दिख नहीं रही जो मार्केट को गैप डाउन से तो एटलीस्ट बचा सके। लेकिन गैप डाउन होने के बाद मार्केट किस लेवल से रिवर्स कर सकता है और किस लेवल को अपना सपोर्ट बना सकता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे आगे के पार्ट में। आइए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे 3 स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो मंडे के 3 स्टॉक्स में पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है लुपिन। लुपिन को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 624 के ऊपर, 613 कैशल होगा, काफी अच्छा खासा फॉर्मेशन चल रहा है। जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो एक अच्छी मूव बन सकती है, जो कि पहली मूव इसको 650 और 680 तक लेके जाएगी। 680 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से रिवर्सल का साइन होगा। नेक्स्ट कॉल है दोस्तों कंकर, कंकर को हम लोग यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं 640 के नीचे, एसएल होगा 652। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है और इमीडिएट वहीं से मौका मिलता है तो वहीं से सेल कर लीजिएगा। सिर्फ 10 पॉइंट की अगर गैप डाउन होगी अंदर तो सेल कीजिएगा, 10 से ऊपर होगा तो अवॉइड कर दीजिएगा। फिर वेट कीजिएगा कि राइज हो तब सेल करें मौका मिले तो, अदरवाइज रिस्की वाले सेल करें और क्विक टारगेट बुक करने के लिए रेडी रहेगा। डोंट वेट, क्योंकि मार्केट गैप डाउन होता तो बहुत जल्दी किसी बॉटम से जो है रिवर्सल भी बनाने की कोशिश करेगा, और वो बॉटम बाद में पता चलेगा जब मार्केट वहां से रिवर्स हो चुका होगा। ठीक है, इसलिए पहले से ही प्लान करके रखिए कि इमीडिएट बुक करना है। सो नेक्स्ट दोस्तों जो कॉल है वो है गुजरात गैस। गुजरात गैस को हम लोग सेल करके चल सकते हैं 477 के नीचे, एसएल होगा 487 का। एक लेवल है, बार बार वहां से रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये लेवल गया तो यहाँ से बड़ा तगड़ा गिरावट आएगा। शो लेवल के ऊपर फोकस करके चलिएगा। अभी आइए मूव करते हैं इंडेक्स पे। ओके, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 35,585 और जो सपोर्ट है वो है 33,500। 33,500 जो सपोर्ट है यानी कि ये यहाँ पे मेरा टारगेट भी है पहला फॉल के बाद, क्योंकि पॉसिबल है कि 33,500 के आसपास का लेवल आपको दिखता हुआ आए मंडे को स्क्रीन पे। तो अभी देखिए पॉसिबिलिटी है कि 300-350 कम से कम बैंक निफ्टी भी गैप डाउन हो सकता है। तो हमें प्लान क्या करना है, तो प्लान यही करना है दोस्तों कि इमीडिएटली आप ओपनिंग के साथ सेल कीजिए, या तो 34,500 की और या तो 33,800 की पुट को बाई कीजिए, बेस्ट होगा। बट बाई अगर करते हैं पुट, प्रॉफिट इमीडिएट बुक करने के लिए रेडी रहिएगा, ये देखते हुए कि बैंक निफ्टी अगर 600-700 पॉइंट तक गिर गई तो अनदर 200 पॉइंट तब मिलेंगे जब थोड़ा राइज आएगा। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है।
अकॉर्डिंगली अगर गैप डाउन का इशारा होता है, निफ्टी में 150-100 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन है, तो बैंक निफ्टी में आप इमीडिएट सेल पोजीशन बना सकते हैं। डेटा कह रहा है वन साइडेड, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन आना चाहिए, सेल पोजीशन ही बनाना है, कोई भी डाउट मत रखिएगा। 33,500 तक तो फर्स्ट ट्राइड यहाँ से दिख रहा है। बाकी लेटेस्ट जो आगे की अपडेट होगी उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे की जो है अपडेट आपको बड़े वाले टारगेट जरूर मिले। तो डेटा में कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी हम लोग ऑप्शन चैन को डेटा को एक बार रीड कर लेते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या पोजीशन बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है आपके कॉल सेलर हैं यहाँ पे 861,000 और जो पुट सेलर है वो है 534,000, जो कि मंडे को चल के हो सकता है कि पॉसिबल है कि लोग डबल हो जाए। अभी आप पुट पे देखेंगे तो पुट पे श्रम आईटीएम पे जो है आपको स्क्वायरअप दिख रहा है और कहीं कहीं ये लॉन्ग दिख रहा है। ये जो पोजीशन है एग्जैक्टली ये लॉन्ग है, ये जितनी भी पोजीशन यहाँ तक देख रहे हैं ना ये सारी लॉन्ग है। अगर आप मेरे डेटा के साथ मैच करोगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा कि इतना ही क्वांटिटी यहाँ पे लॉन्ग है और वो वहाँ पे आपको सीट में दिख रहा है। तो ये एग्जैक्टली लॉन्ग है। अब इसके बाद जितनी भी पोजीशन आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारी शॉर्ट की पोजीशन है जो कि आपके बड़े ट्रेडर द्वारा बनाई गई है। आप देख सकते हो कि जो प्रो ने सेल किया है 1,00,000 के करीब कॉल सेल, वो यहीं से जो फिगर निकल के आ रहा है। काउंट करोगे तो सब कुछ आपको डिजिटल में मिलेगा। मेजर पोजीशन अगर आप देखोगे तो सबसे जो बड़ा रेजिस्टेंस जो नियर बाय में निकल के आ रहा है वो आ रहा है 35,000 के पास, और 35,300 ऐसा लेवल है कि जब ये 35,000 मार्केट यहाँ से क्रॉस करेगा तब ये लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो 35,000 है वो मेजर रेजिस्टेंस है जिसका क्रॉस होना थोड़ा सा मुमकिन नहीं लग रहा है यहाँ पे। इमिडिएटली जो सपोर्ट देखेंगे वो है 34,500 का और मार्केट इसी के आसपास क्लोज हुआ है। जैसे ही 34,500 के नीचे मार्केट खुलेगा या 50,000 जो पुट सेलर है ना ये इमीडिएट रिस्क पे आएंगे और इनकी जो पोजीशन है स्क्वायर अप तुरंत होनी होनी है, जो कि मार्केट को लीड करके लेके जाएगी 34,000 तक डायरेक्टली। और 34,000 यहाँ पे होगा राइट नाउ के लिए एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल जो कि मार्केट को थोड़े देर के लिए होल्ड दे सकता है। फर्दर 34,000 होगा लेवल एज लाइक 35,000, यानी कि जैसे मार्केट 34,000 के नीचे अगर जाने लगेगा तो फिर आपको सीधे बड़े टारगेट और ओपन होते हुए दिखेंगे। टाइम के लिए 34,500 के नीचे जो कि मार्केट खुलने के बेहद चांसेज हैं, सो यहाँ पे 34,000 के इमीडिएटली टारगेट आते हुए दिखेंगे और 34,000 के नीचे ज़्यादा पेन आएगा। सो आप इन लेवल को अपने दिमाग में अपनी डायरी में नोट करके रखिए, अकॉर्डिंगली आप प्ले कर सकते हैं। प्रॉफिट इमीडिएट बुक कीजिएगा, उसमें कोई लेट मत कीजिएगा। अभी निफ्टी की पोजीशन देखिए तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है 16,390 का और जो सपोर्ट है वो है 16,010 का। 16,000 यहाँ से साइकोलॉजिकल लेवल है इसीलिए 16,000 को निफ्टी होल्ड कर सकती है। अगर 16,000 के करीब ही खुलता है मार्केट तो 15,985 आप कैसल होगा, वहाँ से आप एक ट्राइजेक्शन को देखिए। अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलने की कोशिश करता है या 5 मिनट तक वहाँ पे पॉज ले लेता है 16,000 के ऊपर, आप वहाँ से लॉन्ग कीजिए, क्योंकि पॉसिबल है कि ये 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुलेगा। अगर 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुलने के बाद 16,000 वॉयलेट हो गया, ये जो सपोर्ट दिया मैंने एक्चुअली सेल के लिए दिया कि अगर ये लेवल टूटता है 16,000-16,010 तो आप फ्रेश सेल भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर डैट कि 5 मिनट का जो है क्लोजिंग जो होना चाहिए 16,000 के नीचे, यानी कि अगले 5 मिनट तक 16,000 को तोड़ने के बाद निफ्टी अगले 5 मिनट तक एक कैंडल बना ले या 5 मिनट तक उसके नीचे ट्रेड कर ले, देन यू कैन सेल और यू कैन बाई 16,000 पुट ऑप्शन। तो उस समय आप 16,000 का पुट ऑप्शन बाई कीजिए, 16,000 के नीचे सेल कीजिए, चॉइस इज योर। या 16,200 की कॉल ऑप्शन सेल कीजिए, 16,300 की कॉल ऑप्शन सेल कीजिए, ये चॉइस आपकी होगी, लेकिन पोजिशन यही बनेंगे। अगर 16,000 होल्ड हो जाता है तो हम वहाँ से अपोजिट कॉल लेंगे लॉन्ग के लिए, क्योंकि 200 पॉइंट कम से कम गैप डाउन जो है दिख रहा है स्क्रीन पर। अगर ये 200 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो इसी के अकॉर्डिंग जो हम प्ले करेंगे, मार्केट इसी हिसाब से यहाँ पे प्लेस्ड है। डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट बेरिश पोजीशन है। जो आपने थर्सडे को देखा, कई लोग थर्सडे को देख के लॉन्ग पोजीशन में आ गए थे, सरप्राइज थे। देखिए थर्सडे को वो ओनली शॉर्ट कवरिंग था। मैंने आपको वेडनेसडे की नाइट में बताया था कि पॉसिबल है कि कल हम एक शॉर्ट कवरिंग लेंगे और मैंने उसके लिए आपको कॉल ऑप्शन भी दिया था जो कि 16,450 का था और इमीडिएटली ट्रिपल हुआ था। हालांकि हमारा टारगेट पहला 100% ही था, अगर आपने उसमें से 40% भी लिया तो दिस इज ह्यूज गेन। सो सिंपली डेटा एंड चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, गैप डाउन होगा, नो वन कैन स्टॉप, एंड फर्दर जो प्लान होगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होप ये हेल्प करेगा। बाकी लाइव अपडेट के लिए आप हमारे जो चैनल है उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो सेल्फ होगी, वीडियो सेल्फ हो रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के लाइव सेशन में जहाँ पे बहुत कुछ बदलने वाला है एंड बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है। सो जस्ट वेट एंड बी फ्री टू ज्वाइन नाइट 9 PM। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के लाइव सेशन में।